तो सैंपल टेस्ट से थ्रू बात करी थी हमने, है क्या बात करी? सैंपल टेस्ट था ना किस चीज का, जो टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही, मोस्ट इफेक्टिव टेस्ट सीरीज। चलिए बहुत जल्दी से बात कर लेता हूँ। इस सैंपल टेस्ट में आपको क्या क्या था, आपका ऑर्गेनिक से एक टेस्ट ले लिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का रेस्पॉन्स आया कि सर ऑर्गेनिक से स्टार्ट मत करिए क्योंकि हम लोगों की ऑर्गेनिक अभी नहीं हुई है। चलिए साहब आपकी बात मान लेते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो आपका हुआ है वहां पर आप अच्छा करके दिखाएं, वहां पर अच्छा करके दिखाएं। तो तीन चीजों का तो बिल्कुल स्पेशल ध्यान रखना आपको कि 9 to 10:30 ही टेस्ट रहेगा, उसी समय में आपको टेस्ट देना है। फिजिकल से इस बार स्टार्टिंग कर रहे हैं, और फिजिकल के भी कुछ बच्चों ने कहा सर एनसीईआरटी की स्टाइल से, मतलब पहला मोल्स फिर उसके बाद में आपका क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मींस इस तरह से स्टार्ट करें। तो वैसे ही स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका तरफ से कोई एक्सक्यूज रहे, क्योंकि मैं आपको जो भी टेस्ट दूंगा उसके अंदर मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चन और उन क्वेश्चन से आपका रिविजन हो जाए, ऐसी कुछ बातें करने जा रहा हूँ। ठीक है साहब, तो 9 to 10:30 होगा। 10:30 के बाद आप समय करेंगे, अगर 10:30 के बाद अगर आप अपने आंसर्स को डालेंगे वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे आपकी रैंक में। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, लास्ट टेस्ट में भी ऐसे ही हुआ था, 948 या 900 समथिंग बच्चों का 10:30 तक ही सबमिशन हुआ था, उन्हीं का हमने रिजल्ट डिक्लेयर करा था। जिनके जीरो आए वो भी टेंशन नहीं लेंगे, जिनके अच्छे आए वो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पहले दो बच्चों का टाई हुआ किस चीज में, केवल टाइम में। तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है और सही क्वेश्चन करना भी इंपॉर्टेंट है। निगेटिव मार्किंग होगी, निगेटिव मार्किंग होगी, निगेटिव मार्किंग होगी, डेफिनेटली होगी निगेटिव मार्किंग। 9 to 10:30 होगा। ठीक है, 20 questions ईच, मतलब हर बार टेस्ट में केवल 20 सवाल रखेंगे हम लोग, जिससे कि आप आराम से भर भी सकें, कर भी सकें, और नेक्स्ट 12 घंटे बाद उसका रिजल्ट देख लें कि हु इज द टॉपर, कौन टॉपर है। ये तो सैंपल टेस्ट पेपर का टॉपर थे, अब रियल टेस्ट पेपर के टॉपर होंगे, एक तो बात ये रहेगी। दूसरा 20 के 20 questions जो होंगे वो अपने आप में 20 concepts होंगे, उनका जब वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा तो आप कहेंगे वाओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एक नई चीज मिली, ऐसा कुछ करने की कोशिश मैं करूंगा। टेस्ट में आपके मार्क्स कितने अच्छे आते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस टेस्ट से आप कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ये मुझे पता है, आप अच्छे से समझते चलेंगे। तो हर टेस्ट पेपर को आप जरूर दें, सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, जैसे टेस्ट पेपर आए तो आपको पता चल जाएगा हाँ टेस्ट पेपर आ गया है, और साथ में उसके वीडियो सॉल्यूशन को देखें, 12 घंटे बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, 12 hours का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, टॉपर्स का पता चल जाएगा, और 48 hours बाद वीडियोस आ जाएंगी आपकी कि कौन किस क्वेश्चन में कहां पर गलत था, वो सीखेंगे। ठीक है साहब, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, फिजिकल का जो आपका टेस्ट चलेगा उसका टाइम शेड्यूल वो तो आपको पता है 9 to 10:30, लेकिन आप उसका सिलेबस अगर देखना चाहते हैं तो वो सिलेबस ही होगा। फिजिकल के आपके 5 tests होंगे, 5 tests होंगे, 6th final test होगा, 6th में आपका बिग टेस्ट होगा, आपका जेई वालों का भी पैटर्न यही रहेगा, नीट वालों का भी पैटर्न यही रहेगा। ये जो आपको मैंने यहां पर आपको दिखा रखी है टेबल, इसके अकॉर्डिंग ही आपके इस डेट पर आपके क्या होंगे स्कीम कह सकते हो आप, ये स्कीम है, इस डेट पर आपके क्या होंगे टेस्ट होंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जेई वालों का अलग और नीट वालों का अलग टेस्ट होगा। बिल्कुल इस तरह से होगा, जेई वाले अलग, नीट वाले अलग, और एक यहां के लिए एक घर के लिए। मतलब जो टेस्ट आपका ऑनलाइन पे यहां पर होगा उसका वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा, एक टेस्ट आपका और होगा, कौन सा, जो होम टेस्ट कर सकते हो, उसे आप डाउनलोड करेंगे और घर पर ही उसे सॉल्व करेंगे, उसके आंसर विद हिंट मैं नेक्स्ट टाइम डालूंगा। तो एक बड़ा बिजीनेस हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर, एक बिजी पोर्शन बन करके आपके साथ में सामने आने जा रहा है कि आपका टेस्ट भी हो रहा है, आपको एक घर के लिए सैंपल टेस्ट भी मिल रहा है, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है, सैंपल टेस्ट का भी आपको क्या डिटेल सॉल्यूशन मिल रहा है, हैंड रिटन सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा आपका एक एंगेजमेंट अगले काफ़ी दिनों तक चलने जा रहा है। 15 दिसंबर तक आपका फिजिकल का रहेगा, 15 दिसंबर के बाद हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में से कोई एक स्टार्ट करेंगे, जो भी है स्पेशली मुझे जहां तक लगता है हम ऑर्गेनिक को स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से चीज़ों को लेकर फिर बाद में फुल लेंथ टेस्ट लेंगे, फुल लेंथ टेस्ट, लेकिन हर एक के मैं वीडियो सॉल्यूशन से आपको समझाने की कोशिश करता रहूंगा। अब मैं बात करता हूं कि इस बार जो टेस्ट हुआ था उसका वीडियो सॉल्यूशन देकर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कहां कहां पर क्या क्या छोटी छोटी गलतियां करी होंगी, लेकिन अगली बार टेस्ट और टेस्ट के बाद वीडियो सॉल्यूशन हमेशा होगा। ठीक है साहब, तो मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में इस वीडियो सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, all the best.